मुझे बहुत खुशी हो रही है ये अवार्ड मिल करके। ये मैं ये झू स्कीम को सेलिब्रेट कर रहा है, अंधेरी को सेलिब्रेट कर रहा है, हमारे एरिया को सेलिब्रेट कर रहा है अवार्ड, और इस एरिया में जितनी औरतें हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सुधा जी और अमित सातम जी भी उन्होंने वो ये अवार्ड दे रहे हैं और उन्होंने भी ग्रेट वर्क किया इस एरिया के लिए। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड एंड आई एम ऑनर्ड टू रिसीव दिस अवार्ड। मेरे प्रोफेशन के लिए मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं बहुत कुछ करती हूँ जिसमें मैं वीवर्स को अपलिफ्ट करती हूँ। तो मैंने वीवर्स के साथ एक फैब्रिक बनाया है विदाउट किलिंग एनी सिल्क वर्म, तो एंड वी वर्क विद अ लॉट ऑफ वुमेन वीवर्स एंड वी ट्राई टू अपलिफ्ट एंड चेंज द लाइवलीहुड। सो फॉर द वर्क आई डू इन द बॉडी ऑफ माई प्रोफेशन जी। थैंक यू। माई नेम इज़ डॉक्टर हिबा वासिक अली और मैंने कोविड में काम किया है एज अ मीडिया कंसल्टेंट। मैंने मीडिया और कोविड की जो भी न्यूज़ है वो मीडिया को मैं कोऑर्डिनेट करती थी एज अ मेडिकल डॉक्टर। एंड मैंने 2 साल BKC कोविड सेंटर में काम किया है अंडर डॉक्टर राजेश डेरे। एंड हमने सारी वैक्सीन्स, सारा कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पूतनिक, सो जो भी नई वैक्सीन्स आई थी हमने उसे डिस्पैच किया है एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ BMC MCGM। बहुत खुशी होती है बिकॉज मैंने एज इन द कोविड क्राइसिस एक्चुअली ये देखा है कि लोग दे वर नॉट कमिंग एंड इवन मीटिंग देयर रिलेटिव्स। सो हम 2 साल के लिए एज डॉक्टर्स हम लोगों के रिलेटिव्स बन गए थे एंड हमने बहुत कुछ नज़दीकी से देखा है। एंड कोविड इज़ अ क्राइसिस एंड इट इज़ एन ऑनर दैट यू ऑल आर अवॉर्डिंग अस फॉर दैट। अच्छा अच्छा ठीक है। नमस्कार, मैं जयंती माला मिश्रा हूँ और सुखदेव महाराज बनारस घराने को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं सितारा देवी की पुत्री हूँ, यही एक बहुत काफ़ी है। और दूसरे मैं कला क्षेत्र में हूँ, कथक की दुनिया में हूँ और कम से कम 50 साल के ऊपर हो गए हैं मुझे नृत्य करते हुए और नृत्य सिखाते हुए। मैं पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुकी हूँ, भारत का मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड जाके। और कथक को मैं चाहती हूँ कि ये आने वाले भविष्य में जो हमारे युवा कलाकार हैं उनको मैं प्रोत्साहन करूँ, उनके लिए मैं स्टेज देती हूँ, मंच प्रदान करती हूँ। कलाकृति केंद्र के नाम से मैं एकेडमी है मेरी, ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, जिसमें मैं युवा कलाकारों को और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करती हूँ, बड़े बड़े कलाकारों के साथ करती हूँ। और मेरा ध्येय यही है कि हमारे सारे युवा जो हमारे हिंदुस्तान के हैं, जो पश्चिमीता को अपना रहे हैं, वो न अपना के हमारे अपनी भारत की संस्कृति को अपनाएं। तो ये सब कार्य करती रहती हूँ मैं। और मैं बहुत सारे जितने भी स्लम्स के एरिया हैं और आंगनवाड़ी के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देती हूँ और उनको प्रोत्साहन करती हूँ और उनको धनराशि भी मैं देती हूँ कि वो इस कार्य को अपनाएं। सर, आज यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों का सम्मान किया जा रहा है, कितना जरूरी है लोगों के कार्य को इस तरीके से सम्मानित करना। जागतिक महिला दिन के शुभ अवसर पर हमारी नगर सेविका सुधा सिंह जी ने आज एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया, एक म्यूजिकल इवनिंग। जो बॉलीवुड सिंगर है संजीवनी भेलांडे जी, उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर रखा है। और उसी शुभ अवसर पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अंधेरी पश्चिम और आजू बाजू के परिसर में जो हमारी नारी शक्ति रहती है, जो समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए कंट्रीब्यूट करती है, सेल्फलेसली काम करती है, उन्हें टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, उन्हें मोमेंटो और एक नारी सम्मान पुरस्कार देने का कार्यक्रम का आयोजन भी
आज इसी जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य पर सुधा सिंह जी ने किया है अलंकार क्रिएशंस के बैनर के अंडर, और इसीलिए इस बहुत बढ़िया इनिशिएटिव के लिए मैं सुधा सिंह जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं। सर, जिस तरीके से अंधेरी क्षेत्र के लोगों का बढ़ावा देने के लिए उनके कार्य को इस तरीके की चीजें किया जा रहा है, हर क्षेत्र में ऐसा कार्य हो तो लोगों को कितना सम्मानित करना चाहिए और उनके काम को कितना आगे बढ़ाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस प्रकार से हर क्षेत्र से, आर्ट से है, सोशल वर्क से है, ALM से है, NGO से है, हर क्षेत्र से अपने अपने क्षेत्र में एक्सेल करने वाली नारी, लेकिन समाज के लिए भी अपना योगदान देने वाली जो महिलाएं हैं, उन्हें सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नारियां अपना घर संभालते हुए, अपना प्रोफेशन संभालते हुए समाज के लिए और देश के लिए भी कंट्रीब्यूट करती है, अपना योगदान देती है, उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। अमित शाह जी इन सारी चीज़ों को कितना आगे ले जाना चाहेंगे? हम तो इसे आगे लेकर ही जा रहे हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन सुधा सिंह जी ने और हमने आज यहाँ पर किया है। और मुझे ये पूरा विश्वास है अपने अपने परिसर में हर व्यक्ति इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करके ऐसी महिलाओं को, नारी शक्ति को प्रोत्साहन देने का काम जरूर करें। सर, आपने एक काम लिया है, लिफ्ट लगाई जा रही है, लिफ्ट लगाई जा रही है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ऐसा है कि हमारे यहाँ पर गिलबर्ट हिल नाम का एक 6.5 करोड़ साल पुराना एक मोनोलिथ पत्थर है जिसके ऊपर गाँव देवी माता का मंदिर है। उस गिलबर्ट हिल का उसका जो कंजर्वेशन का काम हमने 2014 से 2019 इस कालावधि में किया था, और अभी लोगों की ये मांग है कि ऊपर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है वो ऊपर जाकर गाँव देवी माता का दर्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वो चढ़कर ऊपर जा नहीं सकते, और ऐसे लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए ऊपर तक जाने के लिए कैप्सूल लिफ्ट का जो प्रावधान है वो हमने किया है। उसके लिए 10 करोड़ रुपये का फंड ये महाराष्ट्र सरकार ने जो उसे सैंक्शन किया है, और अभी उसका टेंडर निकाला जा रहा है। सर, एक और आपने किया कि 7 महीने मेरी सरकार हुए हैं आपके महाराष्ट्र में, आपके काम की जाती है, तो एक काम जो बताइए जो महाराष्ट्र में काम हुए, बड़े काम? नहीं, मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे कामों को जो गति मिल रही है, मुंबई शहर के रास्ते का प्रश्न हो, मुंबई के सौंदर्यीकरण का प्रश्न हो, मुंबई शहर के STPs का जो अभी काम, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से जिसका भूमि पूजन हुआ, और मेट्रो का जो काम जो रुका हुआ था 2019 से 2022 तक, जो रुका हुआ काम था उस रुके हुए काम को आगे बढ़ाकर आप देखोगे कि अंधेरी और दहिसर के बीच के मेट्रो के शुरू होने के बाद अंधेरी और दहिसर के बीच का ट्रैफिक का कंजेशन कितना कम हुआ है, और जो बाकी के भी जो मेट्रो के काम है वो सारे 2026 तक पूरा करने का एक संकल्प इस सरकार ने किया है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि 2026 तक मुंबई की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी, और आप ये देखोगे कि कल के बजट में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया है, मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला ये बजट है। इसमें समाज के हर तबके को, हर वर्ग को दिलासा देने का काम इस बजट के माध्यम से हुआ है। सर, जिस तरीके से बजट आया उसके बाद विपक्ष है, लगातार उन्होंने कटाक्ष किया है, ये केवल गुमराह किया जा रहा है? नहीं, अभी ऐसा है कि जब भी उनकी सरकार थी 1999 से 2014 तक, तभी वो ऐसा बजट नहीं लेकर आए। 2019 से लेकर 2022 तक उनकी सरकार थी, तभी भी वो ऐसा बजट नहीं लेकर आए, तभी भी उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को दिलासा नहीं दिया। उन्होंने तो सिर्फ वसूली करने का काम किया, उन्होंने डराने का काम किया, धमकाने का काम किया, इस महाराष्ट्र को लूटने का काम किया, महाराष्ट्र में वसूली कांड किया, 100 करोड़ की वसूली की। और इसीलिए अभी जब भी कोई अच्छा काम हो रहा है, महाराष्ट्र की जनता के हित में निर्णय लिए जा रहे, तो उनको पेट में दुख रहा है, बस यही बात है। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अलंकार क्रिएशन, हमारी सुधा सिंह जी को और हमारे अमित साजन जी को, जिन्होंने इतना अच्छा आज महिलाओं को इस सम्मान के रूप में आज ये प्रोग्राम रखा है। मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि मुझे इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इतनी महान हस्तियाँ आज यहाँ पर थी, उनके बीच में सम्मान मिला है। मैं डॉक्टर भारती छाबरिया सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर प्रोफेशनली हूँ, लेकिन मैं सोशल वर्कर हूँ। मेरा मिशन है मिशन हंगर। मैं 365 डेज अंडर प्रिविलेज बच्चों को और महिलाओं को, मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों और महिलाओं को 365 डेज अन्न जो ऊपर वाले ने दिया है, अगर उनका पेट भरा हुआ रहेगा
तो ही वो कुछ काम करने के लायक रहेंगे। उसके अलावा मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ और जो भी ग्रामीण से महिलाएं होती है उन्हें सिलाई मशीन देना और उन्हें ये बिजनेस करने की कला को सिखाना और उन्हें एम्पावर करने का मैंने काम किया, उसके रूप में मुझे आज ये सम्मान मिला है। तो मैं परमात्मा के साथ साथ पूरे अलंकार की टीम को दिल से धन्यवाद करती हूँ इस सम्मान के लिए। जय भारत, जय हिंद। I'm very grateful and it's with a lot of gratitude that I accept this award. I have been working for the longest time with Pediatric Cancer and the Impact Foundation. I'm a professionally trained dentist, a dental surgeon working out of Juhu, and my clinic name is Studio Aesthetic. We're a dentofacial aesthetic clinic, and besides that we're working towards the cause of children through pediatric cancer. We've also started, Dr. Madhu Chopra and me, a channel which works towards holistic healing called Swasth, where we're bringing the new age way of treating any disease, not just through medical treatments, but through a holistic approach where the mind, body, intellect and the soul comes in together through Ayurveda, homeopathy, yoga and deep meditation. Thank you. हर आंगन दहलीज द्वारी, तुम हो घर की दुनिया सारी। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बस हमारी जनता, हमारे जो लोकल स्थानीय एमएलए साहब हैं श्री अमित साटम जी, उनके नेतृत्व में और उनके सहयोग से ये इतना भव्य और बहुत अच्छा कार्यक्रम हम लोग कर सके। क्या कैटेगरी रखी थी आपने इसमें अवार्ड की? जो दूर दूर से लोग काफ़ी आए इसमें, हम लोगों ने करीब 65 कैटेगरी क्या था? कैटेगरी सब मतलब अलग अलग क्षेत्र के थे। कहाँ कहाँ से लोग आए थे? हमारे अंधेरी विधानसभा में काफ़ी थे लोकल, क्योंकि बहुत से लोग जो चाहे सीनियर सिटीजन हो, LM हो, ये काफ़ी लोग। हाँ लोकल अपने देखिए, अपने सबसे अच्छी बात है बड़े लोगों को सभी बुलाते हैं। जो कोविड में घर से बाहर नहीं निकलते थे उस समय हमारी BMC SWM जो नाले में रोड पे निकल के काम करती थी, हमने उनको भी बुला के सम्मान किया। तो ऐसे हर क्षेत्र में हो, चाहे सोशल वर्क हो, डॉक्टर हो, हाँ जी सभी के लिए अलग अलग क्षेत्र में। मैं खास करके नारियों के लिए इस तरीके का सम्मान रखा था आपने, एक साथ में महिला दिवस आने के बाद में एक साथ इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना कितना आसान रहा आपके लिए? इसमें हमारी जो अलंकार की टीम है, हमारी देखिए सारी फ्रेंड्स हैं, हमारी टीम पूरी, वो नाम है अपना, कितने नाम हम गिनाए आपको है। हेमा किधर है? हेमा है। जबीन जी किधर गई? जबीन जी हैं, रोमा सिन्हा जी हैं, सरिता जी हैं, ऐसे काफ़ी हमारी पूरी टीम है अलंकार क्रिएशन, जिनके वजह से आज ये इतना सक्सेस कार्यक्रम हो पाया। ऐसा लगा पूरा अंधेरी विधानसभा यहाँ आया, क्योंकि जितने अंदर थे उतने बाहर भी खड़े थे। जी हाँ, काफ़ी लोगों के लिए गिफ्ट था आपकी तरफ से? बस गिफ्ट नहीं कहा जाएगा, उनका सम्मान किया गया, क्योंकि सालों साल वो घर के अलावा बाहर भी काम करती हैं, वो समाज के लिए भी काम करती हैं। जिस तरीके से अगर कोई अच्छा काम करता है उसके उस तरीके से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके कार्य करने की क्षमता कितनी बढ़ती है? बहुत बढ़ती है कार्य उनकी क्षमता, क्योंकि एक उत्साह, एक प्रोत्साहन मिलता है अगर हम समाज के लिए काम कर रहे हैं।